ये क्या बवासीर है भाई, ये तो कुत्ता भी ना खाए। किसी के सर पे मार। क्या खा रहे हो? डोनट। डोनट नहीं है, डोनट। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So right now ये vlog की starting जो है योगेश के घर से हो रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ये मत देखो भाई, बड़ा ही साफ है घर अभी। बाकी because मैं अभी योगेश के घर पे इसलिए हूँ क्योंकि हमारा plan था movie देखने का, वो भी है RRR movie है। दो बार हो गए तो RRR, तीन बार। हाँ, मेरा प्लान तो था अकेले देखने का, फिर मैंने बोला चल योगेश को भी पूछ लेता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, योगेश ने मेरे को बोला कि चल मूवी देखते करके। सो मूवी देखा, फिर अभी हम घर पे आ गए हैं। एंड बाकी रिव्यू करूँ मैं मूवी का, भाई लेजिट कसम से 2022 का ये मूवी, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को इतना बेस्ट लगा है। 2022 की सबसे बेस्ट मूवी है ये। योगेश से पूछते हैं कैसा है रिव्यू। बेबी मैं बोल रहा था, नहीं दिखा रहा नीचे का, मजाक कर रहा हूँ भाई। मैं ये बोल रहा था रिव्यू तो बता दे। थोड़ा नमक था उसमें, थोड़ा ये वाला मसाला था उसमें, फिर जो मिर्ची थी उसमें, जो तीखापन था भाई आलिया भट्ट। भाई साहब ये रिव्यू नहीं बता रहा, ये खाने के हिसाब से रिव्यू बता रहा है भाई। उसके बाद जो भाई लास्ट में जो मैगी मसाला डाला उन्होंने यार पिक्चर के हिसाब से अच्छी थी कि नहीं ये बताना। बहुत खतरनाक थी भाई। मेरे को बाकी का खाने का तो नहीं पता, खाना तो अच्छा बना ही देता है, बट ये जो चीज है आप लोग देख रहे हो, ये भाई ने खुद इन्वेंट किया है कसम से। ये इसने मेरे को बोला था कि मतलब किसी को बताना मत, इसके और मेरे बीच में ही मतलब ऐसा था कि ये रिवील करना मत। गाइज आप इसको ब्रेड को बीच में से फाड़ो, अंडा डालो उसमें, मसाला इसकी जैसा कोई नहीं डाल सकता भाई। मैंने भी घर पे बनाया, बट बोलते है ना कि जिसके हाथ में जादू रहता है उसी के हाथ में ही जादू रहता है। अभी हम खाएंगे, 2 बज रहे हैं, कभी भी भूख लगती है। बाकी ये देसी घी का बना रहा है, मैं बनाता हूँ बटर का। ये क्या मथुरा से लाया गया देसी घी? मथुरा का चीज तो कुछ लाया नहीं है, मेन तो वहाँ का। पापा आ रहे हैं। क्या पापा आ रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ। बट वो ये मथुरा से इसके पापा आएंगे ना, तब पेड़े बोल दियो भाई, पेड़े बोल दिए, पेड़े लेंगे बस खाएंगे फिर वो। इसकी मैंने तारीफ क्या कर दी, भाई बोलता है कि भाई तेरे को चॉकलेट वाला मैं खिलाता हूँ ब्रेड, यहाँ पर चॉकलेट पड़ा था तो बोलता भाई देख, और चॉकलेट जो है भाई ने डाल दी घी में और वो जल गया। भाई क्या बना है ये, बवासीर है भाई। भाई क्या डाला है इसमें तूने? छी वो देखो। भाई तूने जला दिया भाई। तू ही खा भाई, तू ही खा इसे। खा गए बता। छी 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 छी। अच्छा है। रुक जा। नेक्स्ट टाइम भाई मैं बोल रहा हूँ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भाई उठ जा, चल मैकडी चलते हैं, पैनकेक खा के आते हैं, चल। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गया हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ये नहीं उठ रहा है, मैंने इसको मस्त सा ऑफर भी दिया है कि भाई चल पैनकेक खाने चल, तभी भी नहीं उठ रहा है यार, बड़ा जिद्दी है। पैनकेक के लिए हमें सुबह जाना पड़ता है, लाइक 10 बजे या फिर 11 बजे। अभी हम 11:30 बजे उठे हैं एंड अभी जा रहे हैं 12 बज चुके हैं। सो देखते हैं, होप करते हैं कि मिल जाए। मैंने तो खा लिया, बेचारे का फर्स्ट टाइम है। देखते हैं, इतना सही किस्मत है, घर के बगल में ही मैकडी पड़ी है इसकी। एक्सक्यूज मी, पैनकेक है? नहीं है। किस्मत ही खराब है तेरी, किस्मत बड़ी सही है बेटे, मिल गया फाइनली। भाई ने पैनकेक खोला, बोलता भाई ये तो रोटी सी है, ये तो मैं भी बना लूं। ये तो मैंने कल रात को बना था तेरे सामने। भाई इसमें ये सब होता है, देखिए बटर होता है और ये इसके ऊपर चॉकलेट है। सो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ एंड मेरे दीदी लोग पूरा वो घर साफ कर रहे हैं, बिकॉज मैं ब्लॉग चालू कर रहा था। देवर लाइक कि जल्दी जल्दी साफ करो, है ना दीदी? क्या खा रहे हो? डोनट। डोनट नहीं है, डोनट। यहाँ पर डोनट भी हमने मंगाया है, देखो इसमें अलग अलग फ्लेवर मंगाती है। थैंक यू। अरे तौबा तौबा। ये देखो गाइस, कल का ये केक है। नेबर में हमारे किसी बच्चे का बर्थडे था तो उनकी मम्मी ने हमें केक लाके दिया। इसी के बारे में हम दीदी और मैं बात कर रहे थे एंड पुरानी दिन याद आ गए, बिकॉज ये वाला बर्थडे जो होता था मतलब हमारे घर में भी होता था, केक डालो फिर इसमें नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह ये सब डलते थे। सो दीदी और मैं मतलब लाइक फुल याद कर रहे थे। मेरे बर्थडे पे हमेशा दीदी चाउमीन बनाती थी, है ना? और हमारे गाँव में ऐसे बर्थडे किसी का बनता नहीं था, चाउमीन वगैरह सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही जैसा भी दिया है ना वैसा ही। और मेरे बर्थडे के टाइम पे चौमिन, और समोसा, टॉफी, बिस्किट सब, मतलब लिटरली वही है कि मतलब कितने टाइम के बाद देखा था ना मेरे को, एकदम से ऐसा गूज़बम्स आ गया। मैंने दीदी को यही चीज़ बोला, मैंने मतलब देख यार कितने टाइम के बाद देखा, देहरादून में जब मैं छोटा था, सुपड़ांसर से भी पहले बहुत छोटा, तब तो हमारे बर्थडे ऐसे ही मनते थे। अगर हम किसी के बर्थडे में जाते थे तो हम लोग ऐसे घर के लिए पैक करा के लेकर आते थे, मम्मी पापा के लिए बिस्किट केक। कसम से भाई, जैसे कि अभी हमें बर्थडे में बुलाया और दीदी मतलब नहीं जा पाई तो मेघा और मैं जाते थे, फिर बाद में हम उनको बोलते थे कि हम घर जा रहे हैं, दीदी के लिए भी पैक कर दो करके, तो ऐसे लेके जाते थे हम। ओके सो गाइज, अभी मैं आया हूँ इनऑर्बिट मॉल, बिकॉज यहाँ पर H&M है, सिर्फ H&M के लिए मैं इनऑर्बिट आता हूँ, वरना मतलब लाइक मॉल जो है वो मलाड में भी है, गोरेगांव आना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर H&M है।
एंड ऑब्वियसली मैं सबसे पहले आ चुका हूँ, योगेश का वेट कर रहा हूँ, योगेश आएगा फिर देन उसके बाद हम दोनों शॉपिंग करेंगे थोड़ा बहुत, बिकॉज हमारे पास कपड़े जो है वो खत्म हो गए हैं। सब ले लिया होगा तूने तो? भाई मैं कब से वेट कर रहा था, मैं कब से वेट कर रहा था, मतलब अब आएगा अब आएगा। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तब भाई साहब अपने घर से निकल रहे, तो मैंने बोला चल शॉपिंग ले लेता हूँ। मैं क्या लूँ फिर अब, रहन दूँ सब? क्या रहन दूँ सब, ले ले भाई। तौलिया 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 थोड़ी है, शर्ट है। अच्छा शर्ट है। भाई ने भी शॉपिंग कर लिया है, आज हिस्ट्री क्रिएट हो गया भाई। आज योगेश ने मेरे से कम, मतलब मेरे से कम लिए भाई, वरना तो क्या है यूजुअली जब भी शॉपिंग करते हैं हम दोनों, ये ज्यादा हमेशा 10,000 के पार ही रहता है इसका। अमीर है भाई, लौंडा अमीर है, पीछे हट जाओ सब। मत कर, फिर सब लोग पूछते हैं, मजाक करो, इतना ज्यादा अमीर नहीं है गाइस हम। आप जो सोच रहे होंगे ना कि फुल छक पक, हमारी भी फटती है जब हम देखते हैं ना टी शर्ट 2000 का आता है, 2000 का टी शर्ट भाई दिल बाहर आ जाता है, हम वो स्किप कर देते हैं। हम पता है ज्यादातर हमने ऑफर वाले उठाए हैं गाइस। आज मैंने सबसे ज्यादा शॉपिंग की है, तो मैंने इसको बोला कि भाई तू मुझे खिलाएगा, मान भी गया। और क्या है, अगर मैं होता तो मेरी बारे में बोलता भाई मैकडे खाएंगे सब्बे खाएंगे, अपनी बारे में तो छोले भटूरे खिला रहा है दुकान के सामने ही, बोल रहा हूँ मैं भैया मारेंगे पक्का। भैया जो भी महंगा है वो दो। ले ले छोले भटूरे, ले ले मस्त आएगा। हाँ दो ले, दो छोले भटूरे, दो छोले भटूरे, एक खा लेंगे। अभी छुप रहे, दो जोड़ी दे दो और कोक, कोक हाँ दे दो दे दो, चार दे दो। 400, अरे नहीं 500 रुपए लो, 400 क्या? अबे यार 600 लो, ये 400 बोल के बात खत्म। 400 का तो बेटे मेरी बारी में एक बर्गर आ जाएगा, बट कोई नहीं आपका अच्छा है भैया। पैसे वाला है भाई, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, मैं तो नहीं हूँ गरीब। एक काम कर, कोल्ड ड्रिंक लेके वहाँ से। क्या लेके आओ? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बोला तूने, कोल्ड ड्रिंक। ये सही आए, ये सही फंक्शन बना रखा है भाई, इंडिया इज ग्रोइंग। ऑर्डर के लिए वेट नहीं करना पड़ता, वो दे देते हैं नोकिया सा फोन और आपको अपने पास रखना पड़ता है, जैसे ही वाइब्रेट हुआ ऑर्डर तैयार। भाई आज पूरे मॉल को उड़ाएगा तू, पड़ जाएगा। एक दो हफ्ते का आज ही कर ले तू। एक दो हफ्ते का आज ही कर ले। क्या कह रहा है? एक दो हफ्ते का आज ही कर ले भाई, फिर नहीं आएंगे कभी मॉल में। भाई क्या है ये, खतरनाक, बर्गर को भी फेल कर दिया भाई, फट जाएगा ये, पट कर फट जाएगी। भाई यार ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, एक से ही पेट भर जाएगा ऐसा लग रहा है। जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता क्या करना है उनको मैं बता देता हूँ, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है? बाकी तो जो लोग देख रहे हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो किया ही होगा। सो या सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय। आई एम सुपर स्लीपी, बाय बाय।